हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ विंजो पर। मैं जाऊ चीचू ले आई आई हूँ आप सभी के लिए मेरे जाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट, लाइक ये लास्ट पार्ट भी हो सकता है। और मैं अभी से आप सभी को वार्निंग देना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्लूटूथ ईयरफोन या आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक कोना वाला रूम पकड़ लीजिए, वॉइस को कम कर लीजिए और आराम से सुनिए, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी शुरू कर सकती हूँ और जब मैं शुरू होती हूँ तो मैं बोलना भूल जाती हूँ कि आप सभी को ईयरफोन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ पहले से आप सभी ले लीजिए ताकि बाद में आप चप्पलों से आपकी स्वागत ना हो। तो खैर मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ क्योंकि आप लोग चप्पल के मार खाओगे भाई, उसके बाद मेरे को पीट दोगे, इससे अच्छा मैं पहले से आप लोगों को वार्निंग कर दूँ। खैर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें जो लास्ट एंडिंग हुई थी उससे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो विनिंग है कम विनिंग उसे पुलिस वाले लोग लॉकअप के अंदर ले जा रहे हैं और कॉम विनिंग चिल्ला रहा है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे मुझे घुशियांग के पास जाना है, मुझे छोड़ो, वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे। अभी कॉम विनिंग जो कि ऐसे ही चिल्लाया जा रहा था पर उसे पुलिस वालों ने पकड़ के रखा हुआ था, और जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा हुआ था उसके ठीक पीछे हमारा वांग था जो कि पीछे पीछे चल रहा था। अभी काउविनिंग ऐसे ही चिल्लाया जा रहा था मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, वो शांग सिर्फ मेरी है, वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वो ऐसे ही चिल्लाया जा रहा था। अभी वो जो ऐसे चिल्ला रहा था तो जिस साइड अपना जिन था वहाँ से भी आगे उसे ले जाया जा रहा था, लाइक जैसे हमारे जिन को जो सज़ा मिली है तो उससे भी आगे उसे ले जाया जा रहा था जो उसका सेल है जिन का। अभी जिन ये आवाज़ सुनता है तो वरित हो जाता है कि काउविनिंग ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, वो जो उसका सेल रहता है वो लाइक ऐसे पास आता है और चिल्लाता है क्या हुआ काव, क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ है। अभी काउविनिंग चिल्लाता है आप तो बस चुप ही रह जाइए, आपकी वजह से सब कुछ हुआ, आपकी वजह से मैं आज अंदर हूँ। अभी जिन कुछ नहीं कह पाता, वो बस शांत हो जाता है और चुपचाप से काउविनिंग को देखता है। अभी जो हमारा वांग था वो काउविनिंग के पास आता है, जो पुलिस वाले लोग उसको पकड़ के रखे थे, लाइक उसके दोनों हाथ को पकड़ के रखे हुए थे, और अभी काउविनिंग तो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश ही कर रहा था। अभी हमारा जो वांग है काउविनिंग के पास आता है, उसे खींच कर एक थप्पड़ मारता है और कहता है हे क्या उसकी वजह से तू यहाँ है, हाँ उसने कहा था तुझे कि तू उसका साथ दे, तूने उसका साथ दिया था ना, नहीं अब क्या उसे तू दोषी मान रहा है, उसे जो गलती की है ना उसे उसी बात की गलती की सज़ा मिली और तूने जो गलती की तुझे उस बात की सज़ा मिली, लाइक तू भूल रहा है तुझे सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली थी, पर तूने जो ये जेल से भागकर उस जगह पर जो तूने हरकत की है ना उसके बाद तो मैं तुझे लंबा फंसाना चाहता हूँ, पर हाँ सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, पर हाँ मैं जब ये सब बताऊंगा ना कोर्ट में कि तूने क्या किया है उसके बाद तू थोड़ा तो लंबा जरूर फंसेगा। अभी वांग ऐसा ही कहता है काउविनिंग से, काउविनिंग गुस्से से वांग को घूरता रहता है और कहता है मुझ पर हाथ उठा रहे हो, मुझ पर काउविनिंग पर, डिड यू नो हाउ एम आई फुल ऑफ पावरफुल, डिड यू नो। अभी वांग एक और थप्पड़ मारता है हमारे काव को और कहता है ए इंग्लिश चोचले ज़्यादा ना, ये इंग्लिश चोचला मेरे पास मत दिखाना, बहुत तू पढ़ा लिखा है ना, तेरी पढ़ाई लिखाई ना मुझे सब नज़र आ रही है, जो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती उसे तू ज़बरदस्ती पाना चाहता है, जो तेरा भाई तेरे से इतना प्यार करता है उसे तू अपने इस हालत का जिम्मेदार मानता है और तू इंग्लिश छाड़ेगा मेरे सामने, ए ये इंग्लिश शो चला मेरे सामने दिखाना ही मत, समझा शांत रह जाओ चुपचाप से निकल यहाँ से। अभी काव जो कि गुस्से से वांग को घूरता ही रहता है, अभी वांग कहता है आंखें नीचे कर दीदी, तुझे हक नहीं कि तू मेरे ऊपर अपनी आंखें उठाए, हिम्मत कैसे हो रही है तेरी, हाँ तू आंखें दिखाएगा मुझे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुझे तो मैं माफ़ नहीं करने वाला।
जहाँ दूसरी जगह पर पढ़कर लोग संभल जाते हैं, सबकी मेमोरीज और थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती, वहाँ तेरी इतनी घटिया रही, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूँगा? तू गलतफहमी का शिकार हो रहा है काउनिंग, और तेरा ये इंग्लिश चो चलाना दोबारा मेरे सामने मत दिखाना, ठीक है? अभी भी काओ वांग को बस देखा जा रहा था। अब हमारे काओ को जो पुलिस वाले पकड़ रहे थे वो उसे ले जाते हैं जिस सेल में उसे रखा गया था, उससे भी आगे ले जाया जाता है और उसे वहाँ पर जाकर फेंक दिया जाता है। उसके लिए फिर से वही एक चटाई रहती है जो कि फटी हुई थी, एक मटका दिया जाता है जिसमें पानी था, पर पानी तो ऐसा लग रहा था जैसे उस मटके को देखिए पता नहीं कितना पुराना वो मटका हो। काविनिंग बस वहाँ पर जाके चुपचाप बैठ जाता है और उन पुलिस वालों को देखता रहता है। अभी काविनिंग जोरदार चिल्लाता है, घुसियांग सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अभी काविनिंग इतना ही चिल्लाता है। अब लाइक सीन कट होता है, हमें हमारे झाऊ को और बेन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर में ही थे, लाइक अपने रूम में थे जो इन दोनों का रूम है। अभी दोनों बैठे रहते हैं, हमारा बेन थोड़ा परेशान रहता है घुसियांग को लेकर। अभी हमारा जैसे बेन जैसे घुसियांग को लेकर बैठा रहता है, लाइक लेकर नहीं उसकी बातों को लेकर बैठा रहता है कि उसको लेके वो परेशान है अभी कि वो क्या करें। अभी झाऊ बेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लावन क्या हुआ, तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? अभी बेन कहता है, आशु तुम बताओ मैं क्या करूं, घुसियांग इतने टाइम के बाद वो वापस आई थी, जब वो वापस आई तो मैं उसे प्यार नहीं दे पाया क्योंकि मुझे छुपाना था कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद जब मैं उसे प्यार दे सकता था तो उसके साथ ये सब कुछ अचानक से काविनिंग का उसके साथ ये सब करना, वो कितनी ज़्यादा डर गई होंगी। हालांकि कीन है उसे संभालने के लिए, पर फिर भी मुझे घुसियांग के लिए टेंस हो रहा है। अभी हमारा झाऊ कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं समझता हूँ तुम बड़े भाई हो उसके, तो तुम उसके लिए टेंशन लोगे मैं समझ सकता हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, उसके साथ कीन है और फुमोंग मैन भी है। अभी झाऊ जो ऐसा कहता है कि फुमोंग मैन भी है, तो बेन कहता है, आशु वो अब आपकी भी चाची है, आप उसे चाची कहे उन्हें चाची कहे उन्हें मैम मत कहिए। फिर झाऊ कहता है, पर मुझे मैम ही कहने की आदत है। वेन कहता है, नहीं आशु चाची कहिए। अभी ये दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती कि नहीं चाची नहीं मैम, वे लोग ऐसा करते ही रहते। अब सीन कट होता है, हमें हमारी मैडम फुमोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में रहती है, कॉल पर रहती है और कॉल से ही वो लाइक अपना जो हैनिंग है उससे बात करते रहती है और कहते रहती है, हैनिंग कब तक आ रहे हो तुम, तुम्हें पता है ना यह सारी तैयारी भी करनी रहती है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरे असिस्टेंट अब भी रहोगे, तो तुम कहाँ हो अभी तक कि नहीं आए। अभी वहाँ से हमें हैनिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, हाँ मैम मैं बस आ रहा हूँ बस 5 मिनट। अभी मैडम फुमोंग कहती है, 5 मिनट नहीं जल्दी आओ, तुम्हें पता है ना मैं किसी को भी अपनी लाइफ से जाने दे सकती हूँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे को अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकती। अभी वांग जो कॉल पर था वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ आ रहा हूँ। अभी हमारे वांग को वांग नहीं हैन हैन जो कि आ रहा है। अब सीन कट होता है, वही हमें घुसियांग और किन को दिखाया जाता है। घुसियांग और किन जो कि एक साथ बैठे रहते हैं लाइक अपने रूम में, ये रूम हमारी घुसियांग का ही रहता है, ये लोग बैठे रहते हैं। अभी जो किन रहता है घुसियांग को संभालता है और कहता है, घुसियांग जो कुछ भी हुआ बोल जाओ उससे, प्लीज़ आगे बढ़ो, ऐसे तुम वरीद होके नहीं रह सकती, तुम इतना डर नहीं सकती, तुम समझदार लड़की हो ना, तुम डरती नहीं ना। अभी घुसियांग कहती है, मैं डरती नहीं पर मेरे लिए वो जो कुछ भी हुआ बहुत ख़तरनाक था किन, बहुत ख़तरनाक था। वो किस तरीके से मुझे देख रहा था, उसने किस तरीके से मेरे
मुंह को होल्ड करके रखा हुआ था। उसकी आंखें जो इतनी भरी भरी मुझे घूर रही थी, मुझे कितना दर्द लग रहा था कि अगर उस वक्त पर तुम नहीं आते और तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं जाता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। कभी कभी लगता है लाइक मैं क्या बोलूँ, अगर तुम नहीं आते तो क्या होता, अगर वो मुझे ले जाता तो वो मेरे साथ क्या करता। वो तो साइको जैसे लग रहा था। अगर वो मेरे साथ कुछ भी करता तो अभी किन गुशियांग के होठों पर अपना उंगली रख देता और बोलता है कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी गुशियांग उसे देखते रहती है। अब गुशियांग किन के हाथों मतलब अपने मुंह से हाथों को हटाती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है किन अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। अभी किन कहता है हाँ मैं ज़रूर मानूँगा। अभी ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब सीन कट होता है, अब सीन कट होता है, हमें हमारे हैन को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंच चुका था। अभी हैन जैसे ही घर पहुंचता है तो वो मैडम के पास जाता है, लाइक फोमो मैडम के पास जाता है और कहता है जी हाँ मैम कहिए करके। अभी फोमो मैम कहती है कहना तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक ड्यूटी सौंपनी थी। अभी हैन कहता है जी हाँ कहिए क्या करना है। अभी मैडम फोमोंग कहती है कुछ नहीं, बस किन को गुशियांग को वेनबिता को और झाओ को सभी को पकड़ो और उन्हें उठाकर सीधे मॉल लेकर जाओ। अभी हैन बस हैरानी से देखने लगता और कहता है क्या। अभी मैडम फोमोंग कहती है जो तुमने सुना है मैंने वही कहा है, अभी अभी मैं चाहती हूँ तुम उन्हों को उठा के मॉल में लेकर जाओ, उन्हें शॉपिंग करवाओ, उनका माइंड फ्री करवाओ। लाइक अगर मैं जाकर उन्हें कहूँगी ना कि तुम लोग जाकर अपना माइंड फ्री करो तो लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी एज हो चुकी है, मेरी बातें मानना थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम्हारी एज तो लगभग वेन और छाओ जितनी ही है तो तुम उन लोगों को मना सकते हो। अभी हैन हाँ में सिर हिलाता है और जी कह के अपना सर लाइक वो हल्का सा झुकाए रहता है, उन्हें ग्रीट करता है और फिर निकल जाता है। अब वो हॉल में जाता है, हॉल में जाकर लैंडलाइन पकड़ता है, जो लैंडलाइन होता है ना कॉल वाला, उसे पकड़ता है, उसे कॉल करता है एक टाइम पर ही। लाइक होता है कि जैसे एक लाइन लैंडलाइन है उससे अगर हम कॉल करते हैं तो घर के ही नंबर जो अलग अलग जगह पर टेलीफोन रखे रहते हैं वहाँ उठाया जा सकता है और सबको एक ही का आ जाएगा, वैसा रहता है। अब जैसे ही वो लगाता है उठाते हैं, इस साइड से हमारा झाओ उठाता है और इस साइड से हमारा किन उठाता है। अब उठाते ही लाइक वो उठाते हैं तो हमारा हैन कहता है सभी के सभी प्लीज हॉल में आ जाइए। अभी वो ऐसे ही कहता है और सीधे रख देता है। झाओ कहते हैं क्या हुआ क्यों आना है, इधर किन भी कहते हैं क्या हुआ क्यों आना है। अभी इन लोग ऐसे ही सोचते हैं, अभी किन जो बोलता है कि क्या हुआ क्यों आना है, गुसैंग सुन लेती तो बोलती क्या हुआ, पर किन बोलता है नहीं पता बुलाया गया है। अभी झाओ भी बोलता है जो कि क्या हुआ क्यों आना है, वेन सुन लेता है तो बोलते हैं क्या हुआ अच्छू कहाँ जाना है। अभी हमारा जो झाओ रहता है वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, हैन का कॉल था उसने कहा कि हॉल में आना है। अभी वेन कहता है ओके ठीक है चलते हैं। अब इन लोग मिलके जाते हैं और एक साथ इन लोग सीढ़ियों से उतरते हैं, उतर के सीधे वेन के पास जाते हैं और कहते हैं हाँ क्या हुआ। अभी हमारा हैन कहता है कि आप सभी तैयार हो जाइए, आप सभी को अभी मॉल जाना है। झाओ कहते हैं मॉल जाने क्यों किस लिए, अगर तुमने ये कहने की ज़रूरत की ना कि हमें शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग की हमारे पास कोई कमी नहीं है ठीक है। अभी हमारा जो हैन है, अभी हैन कहता है आप सभी को शॉपिंग की ज़रूरत हो ना हो पर आप सभी भूल रहे हैं कि अभी गुशियांग दीदी का अभी उनका इंगेजमेंट उनकी शादी होने वाली थी तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, तो इसलिए हमें जो चीज़ें अभी यूज़ नहीं हुई है हमें उस शॉपिंग मॉल में जाकर हमें उसे रिटर्न करना है। अभी झाओ हैरान हो जाता है क्या, पर गुशियांग की शादी तो होगी ना बाद में,
अभी नहीं हो रही तो बाद में तो होंगी, तो हम अभी क्यों रिटर्न करें। अभी हैनिंग कहता है कि हाँ बाद में होंगी, पर जब होगी तब होंगी, अभी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ने कहा है कि उन्हें रिटर्न करना है। अभी गुशियांग ये देखने लगती है और किन भी देखते रहता है। लाइक अभी किन और गुशियांग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब झाओ बोलते हैं ठीक है, मैडम ने कहा है तो ठीक है। अभी वेन कहता है ठीक है तो हम चलते हैं। अब सीन कट होता है। लाइक हमें दिखाया जाता है हमारे हैनिंग ने जो हमारी किन गुशियांग और हमारे झाओ को और वेन को वही मॉल ले आया है, और उन्होंने जो भी सामान दिया था लाइक हमारी गुशियांग की शादी के लिए वो सारे सामान उन लोग को वापस करते रहते हैं, जो कि उन लोग मॉल से लिए रहते हैं। अब उन्हें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, तो वो रिटर्न कर भी सकते हैं। अब उन लोग रिटर्न करते हैं। अब यही सीन हमें दिखाया जाता है हमारे बेन झाओ किन और गुशियांग साथ ही हमारा हैन, इन लोग सामान जो रिटर्न कर देते हैं। अब इन लोग लाइक वही मॉल में थोड़ा घूमने लग जाते हैं और मॉल बड़ा है अच्छा है तो इन लोग घूमते रहते हैं। अभी हमारा जो हैनिंग है वो आगे आगे चल रहा है, वही हमारे जो वो है झाओ और बेन इन लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के चल रहे हैं, वही हमारी जो गुशियांग है और किन इन लोग अलग चल रहे हैं। लाइक इन लोगों ने एक दूसरे को हाथों को बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रखा हुआ है। अब इन लोग बस चल रहे इधर उधर देख रहे हैं। अब चलते चलते में ये गुशियांग रुकती है, लाइक वो एक कॉर्नर में होती है, तभी किन देखता है कि गुशियांग कॉर्नर में क्यों हुई। अभी किन बोलते हैं क्या हुआ गुशियांग। अभी हमारी गुशियांग कहती हैं किन मैंने तुमसे जो कहा वो तुम्हें याद है ना। अभी किन कहते हैं हाँ याद है, क्यों क्या हुआ तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। अभी गुशियांग कहती हैं पर मैंने तुमसे तो कह दिया, पर मैं मम्मा और भाई से कैसे कहूँगी, और ये सब क्या तुम्हारे भाई बर्दाश्त कर पाएंगे, वो तो तुम्हारी और मेरी शादी को लेके कितने खुश हैं, तो मैं कैसे कहूँगी कि मैं। अभी गुशियांग इतना ही कहती हैं तो किन कहता है तुम फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूँगा। अभी सीन कट होता है। लाइक हमें इनका पास दिखाया जा रहा है जो इन लोग अभी बोले थे ना कि लाइक गुशियांग बोली थी मैं जो बोलूँगी क्या तुम मानोगे। अभी हमें वही सीन दिखाया जाता है गुशियांग ने जब कहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहती हैं तो किन ने कहा था कि हाँ कहो, तो अभी हमें बताया जाता है गुशियांग कहती है किन से कि वो उसे अपना दोस्त मानती है और वो अभी उसके साथ लाइक वो अभी उससे शादी नहीं करना चाहती। जब उसे उसकी मॉम ने पूछा लाइक उसकी जो हमारी मैडम है मैडम फुमंग, उसने गुशियांग से कहा था कि उसकी शादी किन से करवाना चाहती हैं, और गुशियांग अपनी अपनी मम्मी की बातें मानने वाली लड़की है तो वो मना नहीं कर पाई और वो शादी के लिए रेडी हो गई थी। पर यहाँ पर बात ये थी कि गुशियांग किन को पसंद नहीं करती, लाइक वो उसे ऐसा फ्रेंड पसंद करती है पर उसे वो अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखती हैं। तो गुशियांग ने यहाँ पर किन से कहा था कि वो उसे ऐसा फ्रेंड पसंद करती है पर वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो कर रही थी और वो अभी उससे शादी नहीं करना चाहती, लाइक वो उसे जानना पहचानना चाहती है। तो इस वक्त पर अभी किन ने ये कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा और वो शादी कैंसिल करवा देगा, लाइक जो होने वाली थी वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई, इसके अलावा भी वो शादी को कैंसिल करवा ही देगा, वो ऐसा कहता है। अभी इन लोग यहीं पर थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लाइक सीन कट हो गया है, फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। अब इन लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है हमारे बेन और झाओ को, हमारे बेन और झाओ जो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के चल ही रहे थे अभी लाइक ये जो मॉल था। तो अभी हमें वो दिखाया जाता है, वो आप सभी को वो पार्ट जरूर याद होगा जब हमारा बेन झाओ और हैनिंग मॉल आए हुए थे बेन के लिए कपड़े लेने, तो बेन को एक टॉय शॉप मिल गया था जहाँ पर वो जाकर खेलने लगा था लाइक बच्चों जैसा। अभी वो उसे देख लेता है, लाइक हमारा झाऊ देखता है, उन लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो झाऊ देखता है, झाऊ जैसे ही देखता है वो तुरंत उसी कॉर्नर में चला जाता है और जैसे ही जाता है वो चीज़ों को देखने लगता है, खड़े हो जाता है लाइक सभी चीज़ों को देखता है और मुस्कुराते रहता है। अभी वेन उसके पास आता है लाइक झाऊ के पास आता है और कहता है क्या हुआ आशु,
आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अभी झाऊ विन की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें याद है लविन, तुम कैसे यहाँ हरकतें करते थे, तुम कितना खेलते थे यहाँ पर। अभी विन झाऊ की ओर देखता है और कहता है, आशु आप क्या कर रहे हैं? अभी झाऊ कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी यादें याद दिला रहा हूँ। तुम्हें याद है तुम कितनी मस्ती करते थे, मैं तुम्हारे पीछे भाग भाग के थक जाता था। अभी वैन पाउत करते बोलते, आशु। झाऊ हंसने लग जाता है, एकदम चुप हंसने लग जाते हैं। अभी हमें हमारे हैन को दिखाया जाता है, जिसे एक कॉल आता है, लाइक उसके फ़ोन पर कॉल आता है, तो वो कॉल को अटेंड करता है। अभी कॉल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे वांग ने की थी। हमारा वांग कहता है, हैन कहाँ हो? अभी हैन बताता है कि वो कहाँ पर है, लाइक वो मॉल में है, वो ये बता देता है। अभी वांग आता है हैन के पास, लाइक अब सीन कट हो रहा है, हमारा वांग जो कि हैन के पास आ गया है। अभी हमें इन तीनों को दिखाया जाता है, लाइक हमारे जो किन और गुशियांग, इन लोग एक साइड ही है जो अपना वो सब सामान देख रहे हैं, और इन लोग फ्रेंड जैसे ही है। अब वही हमें हमारे झाऊ और वैन को दिखाया जाता है, जो कि वही मॉल में घूम ही रहे हैं, और अपने जो जो कुछ भी हुआ है, लाइक जो पिछले उनकी लाइफ जो चलती आ रही है, वैन और झाऊ के बीच जो कुछ भी हुआ है, उन लोग वो सब चीज़ें याद करते रहते हैं। झाऊ तो बहुत हंसते रहते हैं कि कैसी कैसी हरकतें करता था करके। अभी वही हमारा वांग भी हैनिंग के पास आ गया था। वही जैसे ही हमारा वांग आता है हैनिंग के पास, हैनिंग वांग को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है और कहता है, तुम आ गए? अभी वांग कहता है, हाँ। तो अभी हमारा हैन पूछता है, उसका क्या हुआ? अभी वांग बताता है, हमने उसे अंदर कर दिया है, और बहुत जल्द उसे सजा के तौर पर और लंबी सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो थाने से भाग कर गया था। यहाँ तक कि उसने इसको, हमारे जो चौकीदार होता है, चौकीदार नहीं हवलदार होता है, उसे उसने चोट पहुँचाई थी, इसलिए उसे और ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। अभी वो ऐसे ही कहता है। अब इन लोग यहाँ से चलने लगते हैं, लाइक अब इन लोग जो यहीं पर घूमने लगते हैं, अब इन लोग का जो भी था, लाइक इन लोग बस घूम रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। अब ये करते करते इन लोग एक साथ मिलते, लाइक एक साथ ही आ जाते हैं, हमारा हैन वांग वेन झाऊ किन सियांग, इन लोग आ जाते हैं एक साथ ही। अब इन लोग बातचीत करते हैं और अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे किन गुशियांग वेन झाऊ वांग हैन, ये सभी अभी आए होते हैं एक पार्क में, लाइक अभी इन लोग जो निकले हैं तो लोग पार्क में आए रहते हैं। हमारा हैन ही है जो ज़बरदस्ती इन लोग को पार्क में लाए रहता है। अभी झाऊ कहता है, हैन तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम मॉल में लेके गए, अब तुम पार्क में। अभी हैन कहता है, क्या सर आप इतनी शिकायत क्यों करते हैं? पार्क है, अच्छी जगह है, गुशियांग दीदी जब से यहाँ आई है वो ज़्यादा कहीं बाहर नहीं घूमी है, तो मैं उन्हें बस घुमाना चाहता हूँ। अभी झाऊ गुशियांग की ओर देखता है, किन की ओर देखता है, फिर हैन की ओर देखता है, फिर उसे एहसास होता है कि अभी गुशियांग का माइंड फ्रेश करना कितना ज़रूरी है। वो खुद के सर पर हाथ रखता है, मुस्कुराता है, और ये क्या हो गया करके सोचता है वो। अब इन लोग यही लाइक पार्क में घूमने लगते हैं, यहाँ पर जो झूले वूले रहते हैं उन लोग झूले वूले में जाते हैं, यहाँ जो नाश्ता वास्ता रहते हैं लोग खाते हैं, लाइक होता है गुलाबी गुलाबी सा शक्कर से बनता है, जो गुलाबी शक्कर से बनता है, जिसको वैसे तो मैं बुद्धि के बाल कहती हूँ, अब आप सभी क्या कहते हो पता नहीं, नाम बताइएगा। तो वो होता है मीठा मीठा, उन लोग वो लेके खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसके अलावा वहाँ पर अलग अलग चीज़ें वो सब लेके खाते हैं। अब यहाँ पर कुछ खेल भी रहते हैं, लाइक एक बंदूक दी जाती है जिसके जरिए निशाना मारा जाता है और बैलून फोड़ा जाता है, ये लोग ये भी खेलते हैं, सभी चीज़ें को इन्जॉय करते हैं। हमारा वांग, तो अब बारी तो आती है हमारे वांग की, लाइक जो बंदूक वाला रहता है उसके लिए आती है वांग की बारी, और वांग एक पुलिस वाला है, बंदूक चलाने में एक्सपर्ट,
एक भी बैलून नहीं छोड़ता वो, लाइक वो ऐसे चलाता है कि वो एक भी बैलून नहीं छोड़ता। और जो वो खेल चला रहा था उसके तो दिवालिया ही निकल जाते हैं, लाइक वो देखता ही रह जाता है। अभी हैन देखता है तो हंसने लग जाता है और वांग मुस्कुराते रहते हैं। यह झाऊ और वैन इन लोग को देख के हंसने लग जाते हैं कि लाइक वो दुकानदार की तो अच्छी खासी दिवालिया ही निकल गई। इन लोग हंसते हैं, पर हमारा जो लाइक ये जो ऐसे खेल वाला रहता है तो हमारे जो वो है उसे ये देना रहता है गिफ्ट, हमारा जो दुकानदार था उसे गिफ्ट देना रहता है कुछ सारे फूल लेने के कारण। पर वांग मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी वो दुकानदार कहता है प्लीज़ सर रख लीजिए, अभी वांग मना करते रहता है। हैन कहता है रख लो, वो प्यार से दे रहे हैं। अभी वो जो दुकानदार था वो उसके हाथ में एक प्यारा सा दिल देता है जो कि बिल्कुल ही कांच का बना हुआ था, उसके अंदर रेड कलर का पानी डला हुआ था और हल्के हल्के शिमर डले हुए थे, लाइक चमकीले रेसेस वैसे डले हुए थे। तो वो उसे वांग को दे देता है। अभी वांग उसे देखता है थोड़ी देर, फिर वो उसे हैन को दे देता है। अभी हैन उसे लेता है और कहता है अपना दिल मुझे दे रहे हो, वो बहुत ही धीरे से कहता है। अभी वांग मुस्कुरा देता है। अब हमें वही वैन और झाऊ को दिखाया जाता है जो इन लोग को देख के खुश रहते हैं। अभी वैन चुपके से झाऊ के कानों में कहता है, लाइक वो एकदम उसके कानों के पास जाता है और कहता है आशु आप अपना दिल मुझे कब देंगे। अभी झाऊ वैन की बातें सुनता है तो अजीब सा फेस बना लेता है, वैन के पेट पर एक घूसा मारता है, बोलता है बदतमीज नहीं तो, वो इतना ही कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी वैन कहता है आशु रुकिए, मैंने क्या गलत कहा, आपने क्यों मारा मुझे, वो ऐसा कह के उसके पीछे जाने लगता है। अभी हमें किन और गुशियांग को दिखाया जाता है जो कि यही घूम रहे थे और अभी किन गुशियांग का ख्याल ही रख रहा था, लाइक वो उसके पीछे पीछे ही था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इन लोग ऐसे लाइक जा ही रहे थे तभी हमें दिखाया जाता है हमारी गुशियांग जो वहाँ पर देखती है एक गोले वाले को, लाइक जो गोला होता है चुस्के उसे देखती है और उसके पास चली जाती है और बोलती है बनाने। अभी वो गोला वाला गोला बनाता है, अपनी गुशियांग दो गोला बनवाती है, इन लोग खाने लगते हैं। अब लाइक इन लोग यहाँ घूम ही रहे होते, घूमते घूमते अब टाइम हो जाता है, हमारी गुशियांग का माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लाइक अब इन लोग घर पहुँचते हैं, हमारी गुशियांग और किन घर पहुँचते हैं, हमारे वैन और झाऊ वो भी घर पहुँचते हैं और हमारा जो हैन है वो मैडम फुमंग को कॉल कर देता है, बता देता है सब कुछ सिचुएशन वगैरह और उसके बाद वो वांग को लेकर जाता है अपने घर। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वैन झाऊ और गुशियांग और किन ये लोग जो अपने घर पहुँच चुके हैं। तो अभी हमारी मैडम फुमंग उन्हें स्वागत करती है, लाइक कि आ गए बच्चों, अभी इन लोग कहते हैं हाँ आ गए। अभी गुशियांग जाकर फुमंग के गले लग जाती है और गले लग के कहती है मम्मा मैं गई थी और वो लाइक जो कुछ भी वो महसूस की है अपनी बातें बताती है। मैडम फुमंग मुस्कुराती है और कहती है अच्छा बच्चे करके, वैसे मुस्कुराती है फिर खुशी से उसके फोरहेड पर किस करती है। अभी किन मैडम फुमंग को देखा ही जा रहा था, लाइक उसे अभी भी अपनी मम्मा की याद आ जाती है कि कैसे उसकी मम्मा उसके फोरहेड पर किस करती थी करके उसे याद आ जाता है। अभी फुमंग उसे देखती है, उसे लाइक किन को अपने पास बुलाती है और किन को अपने पास बुलाकर उसे गले से लगाती है, फिर उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो ना, तो इतना दूर क्यों रहते हो मुझसे। अभी किन मुस्कुराता है और अपना सर नीचे रखता है। अब हमारे वैन और झाऊ जो वहीं पर खड़े हुए थे तो हमारी मैडम फुमंग ऐसे हाथ बढ़ाती है और बुलाती है दोनों को अपने पास। अभी हमारे वैन और झाऊ एक साथ मैडम फुमंग के पास आते हैं, वो दोनों को एक साथ गले लगा लेती है, लाइक उनके बालों पर रफ करती है और कहती है तुम दोनों क्यों इतना दूर रह रहे हो, वैन बेटा झाऊ तुम दोनों ही तो मेरे बच्चे हो ना, तो इतना दूर क्यों रह रहे हो। अभी झाऊ मुस्कुराता है और उन्हें बैक हग करता है। अभी वैन भी बैक हग करता है और वैन कहता है
चाची मैं नहीं डरता, ये हशु है जो डरता है। अभी जाओ, एक हाथ से विन को चिमटी खा देता है। विन तुरंत आउच करता है और कहता है आशु। अभी जाओ जो सुन देता कि मेरी तरफ ही सारा कर करके वो और अपनी मैडम फोमोंग को गले लगा लेता है और उस पर ध्यान नहीं देता। अभी मैडम फोमोंग उसके क्या हुआ? अभी जाओ जो चिमटी खाता था इसलिए उसे दर्द होता है, तो कहता है चाची देखिए ना आशु चिमटी खा रहा है, लगते हैं इसके इरादे सही नहीं है। अभी मैडम फुमोंग हंसने लग जाती, लाइक ये मोमेंट ऐसा था वेन इतना मस्ती कर रहा था तो मैडम फुमोंग हंसने ही लग जाती है। जाओ का तो फेस ही बन जाता है, वो गुस्से से वेन की ओर देखने लग जाता है। अभी मैडम फुमोंग बोलती है अच्छा चलो लड़ो मत तुम लोग। अब लाइक सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है डिनर टाइम, इन लोग डिनर करते रहते हैं। हमारा जो वही जो वो है सर्फ जो करता है वो आता है, जो इनके पास हमेशा से जो उनका हेल्पर है वो आता है, उन्हें खाना वाना सर्व करता है। इन लोग खाना वाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं सोने के लिए। लाइक नाइट हो चुकी है, इन लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा जो किन है वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, हमारी मैडम फोमोंग अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, हमारी गुशियांग अपने रूम में चली जाती है। अभी झाऊ अपने रूम में जाने ही वाला था सोने के लिए, लाइक झाऊ का भी अलग ही रूम रहता ही है, तो जैसे जाते ही रहता है सोने के लिए तभी हमारा वेन झाऊ को खींच लेता है, लाइक उसके हाथों को पकड़ लेता है, खींच के अपने रूम में ले लेता है। अभी झाऊ हैरान की लाइक ये क्या था करके। अभी जैसे वो उसे खींच लेता है, वो खींचते ही जैसे लाइक दरवाज़ा से खींचा है तुरंत दरवाज़ा बंद किया और झाऊ को सीधे दीवार से सटा देता है और दीवार पर अपना हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाता है और झाऊ को देखता रहता है। झाऊ वेन को देखता है तो बोलता है ये क्या हरकत है लव वेन। अभी वेन कहता है आशु बहुत मेरा नाम ले रहे थे ना आप, मुझे चिमटी काट रहे थे ना। अभी झाऊ कहता है हाँ तो तुम हरकत ही ऐसा कर रहे थे कि तुम्हें तो चिमटी काटनी ही थी, शुक्र मनाओ उस वक्त पर मैंने तुम्हें पीता नहीं। अभी बेन कहता है तो पीती है ना, मैं तो तैयार बैठा हूँ। अभी झाऊ वेन को लाइक धक्का देने की कोशिश करता है कि हाँ तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अभी जैसे वो लाइक जैसे धक्का देने की कोशिश करता है, वेन तो अपना दोनों हाथ दीवार पर रख देता है और कहता है ऐसे कैसे आप मुझे धक्का देंगे और ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ दूँ, इतने समय के बाद तो आप मेरे हाथों में आए हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अभी झाऊ कहता है लव वेन दूर रहो, देखो दूर रहो। पर वेन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इतने मुश्किल से हाथ में आए हैं, आज तो मैं आपको खा जाऊंगा। झाऊ कहते हैं लवेन दूर रहो बिल्कुल ही दूर रहो। पर हमारा बेन कहता है नहीं आशु ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब भी हमारा झाऊ कैसे करे उसके समझ में नहीं आता, लाइक वो धीरे धीरे नीचे होने लगता है और हमारा बेन अपने आँखों को बंद कर देता है और झाऊ को किस करने का जाते ही रहता है और हमारा झाऊ जो कि धीरे 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 नीचे होता है। अब हमारा बेन जो कि किस कर देता है और वो किस सीधे दीवार को ही करता है और जैसे ही आँख खुलता है उतने देर में हमारा झाऊ नीचे से ही लाइक बेन के नीचे से ही ऐसे निकल जाता है और दूर भागता है। अभी बेन चिल्लाता है आशु रुको कहाँ जा रहे हो, पर वेन जो ऐसे बोलता है कि रुको कहाँ जा रहे हो, हमारा झाऊ नहीं रुकता और भागता है सीधे उस जगह पे। अभी सीन कट होता है, हमें हमारे फांग और हैन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर पहुँच चुके थे, लाइक इन लोग अभी अपने घर में ही हैं और अभी हमारा हैन है जो कि वांग के लिए डिनर रेडी कर रहा है। अभी लाइक वो डिनर रेडी ही करते रहता है किचन में, तो हमारा वांग आता है हमारे हैन के पास और कहता है क्या बना रहे हो। अभी हैन कहता है कि हाँ वो डिनर रेडी कर रहा है। अभी वांग कहता है क्या वो भी हेल्प करे, हैन कहता है तुम बाद में हेल्प करना पहले जाकर चेंज कर लो। अभी हमारा वांग जो कि
अभी अपने इसका जो उसका यूनिफॉर्म है उसी में रहता है। तो हैन उसे कहता है कि जाओ तुम पहले फ्रेश अप हो जाओ और चेंज कर लो। अभी वांग कहता है ओके मैं जा रहा हूँ। अभी हमारा वांग चला जाता है अपना फ्रेश अप होने के लिए। और यहाँ हमारा हैन जो कि डिनर रेडी करते रहते हैं, अब सीन कट होता है। हमारे हैन ने जो डिनर बनाया था वो उसे डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देता है और चेयर पर बैठकर इंतज़ार करते रहता है हमारे वांग के आने का। अभी हमारा वांग जो कि चेंज करके आ जाता है, पर उसने एक निक्कर पहन रखी थी जो कि उसके लेगिंग्स दिखा रहे थे, जो ना गुथना होता है, मैं तो गुथना ही बोलती हूँ हिंदी वर्जन, तो गुथना होता है, उससे जस्ट ऊपर आते रहता है उसके जांघों तक। और उसने एक पतली सी शर्ट पहन कर रखी हुई थी, टी शर्ट उसे पहन कर रखा हुआ था। और वो आकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठता है और अपना जो डिनर है उसे लेने लगता है, लाइक खाने लगता है। अभी उन दोनों खाते रहते हैं। अब खाते खाते में ही लाइक इन लोग की बातचीत होते रहती है, जो भी है वो सब बातचीत करते रहते हैं। अभी वांग हैन से पूछता है तुम मॉल क्यों गए थे। अभी हमारा हैन बताता है कि वो जानबूझकर उन्हें मॉल लेकर गया था ये झूठ बोलकर कि मैडम ने कहा है कि वो सारे सामान वापस करने हैं करके, पर असल में वापस तो नहीं करना था पर करना पड़ा क्योंकि मैं झूठ बोलकर लेकर गया था। अभी वांग हंसने लग जाता है, बोलता है झूठ का नतीजा देखा, अगर झूठ बोलो तो सच होता है, इसलिए झूठ नहीं कहना चाहिए। लाइक दोस्तों मेरा तो यही मानना है, मैंने आज तक जो भी झूठ कहा है वो सच हुआ है, इतने मैं झूठ नहीं बोलती, कान पकड़ के बैठी हुई झूठ नहीं बोलना है भाई करके। खैर मैं मजाक बाद में करूँगी। अब उन लोग ऐसी बातचीत करते रहते हैं। अब खाना वाना हो जाता है। अब हमारा हैन और वांग इन लोग अपना लाइक जो डाइनिंग टेबल है उसे साफ़ करते हैं, खुद भी फ्रेश अप होते हैं, लाइक जो सोने से पहले फ्रेश अप हुआ जाता है इन लोग खुद भी फ्रेश अप होते हैं। और उसके बाद अब इन लोग बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए, लाइक एक अच्छा सा प्रोग्राम आते रहता है जिसे इन लोग देखते रहते हैं। अब देखते देखते में ही लाइक ये प्रोग्राम थोड़ा सा हो जाता है मज़ेदार। अभी हैन तो इसे देखा ही जा रहा था और वांग भी। अब हैन जैसे ही देखता है लाइक कुछ का कुछ शुरू हो चुका है। अब हैन घबरा सा जाता है, रिमोट वैसे ही छोड़ता है और चुपके से निकलने लगता है। अभी वांग कहता है क्या हुआ कहाँ जा रहे हो। अभी हैन बहाने बनाए रहता है कि लाइक उसे नींद आ रही है वो जाना चाहते हैं। वांग कहते हैं नींद आ रही है कि तुम ये सीन देख कर जा रहे हो। अभी हैन कहता है नहीं ऐसा नहीं, मैं क्यों डरूंगी ऐसे सीन से, मुझे नींद आ रही है। अभी वांग कहता है हैन तुम मुझसे नहीं छुपा सकते ना, और मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम मेरे सामने क्यों शर्मा रहे हो। अभी हैन कहता है ऐसा नहीं है मैं नहीं शर्मा रहा, पर वांग कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। अभी वांग हैन का हाथ पकड़ के खींचता है अपने पास बैठाता है, बोलता है चुपचाप देखो। अभी हमारा हैन जो कि वांग के पास ही बैठ जाता है और सामने मूवी में लाइक जो लोग ड्रामा देख रहे हैं उसमें चलते रहता है एक ऐसा ऐसा सीन जिससे हमारे हैन को लाइक वो देखता है तो वांग को देखने लगता है, लाइक क्रिशिटी तो होती है और वो वांग को पसंद भी करता है। और अब तक इन लोग एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं तो लाइक इन लोग किसिंग तो कर चुके हैं, थोड़ा स्टेप आगे जा चुका है, पर इन लोग इंटरमेट आज तक नहीं हुए और सामने वही चलते रहता है। तो अभी अपना हैन जो कि अजीब सा हो जाता है, लाइक वो क्या करे इस पॉइंट पे, उसे एकदम अजीब सा लगते रहता है वो खुद को। लाइक ऐसा होता है कि जब भी ऐसा सीन आता है तो लड़के खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो देखता है तो उसे कुछ कुछ होने लगता है, वो एक तकिया लेता है और खुद के गोद पर रख कर बैठ जाता है। वांग हैन की हरकतों को देखते रहता है तो उसे देखता है और समझ जाता है कि उसकी इच्छा हो रही है, लाइक वो कुछ सोच रहा है। अभी वांग जानबूझकर जो उसका
उसका जो तकिया रहता है उसे पकड़ के खींचता और कहता है, क्या लड़कियों जैसे तकिए लेके बैठे हुए हो। वो जैसे ही खींचता है वो कुछ देख लेता है और वो देखता है जैसे ही, ओ तेरी ये क्या है। अभी जैसे ही वांग ये कहता है, ये क्या है, हैन बोलते हैं वांग तुम ना। अभी वांग कहता है क्या मैना, क्या है ये। अभी हैन कहता है वांग। वो ऐसे ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा वांग जो कि आगे आगे भाग रहा है और हमारा हैन जो कि वांग के पीछे पीछे भाग रहा है। अभी वांग कहता है नहीं नहीं रुको, नहीं मैं बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मैं बस मजाक कर रहा था, नहीं दूर रहना। अभी हैन कहता है दूर रहना तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो ऐसा कहता है और उसके पीछे भागने लगता है। और अभी मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहूँगी कि ब्लूटूथ ईयरफोन सब कुछ पकड़ के बैठ जाओ या कोना पकड़ लो, वरना बहुत पीटने वाले हो मेरे को। अब हमें दिखाया जाता है हमारा वांग जो आगे आगे भाग रहा है, हमारा हैन जो कि वांग के पीछे ही भाग रहा है। अब भागते भागते में इन लोग लाइक जैसे वहीं पर जो हॉल है वही भाग रहे हैं, और भागते भागते में हमारा हैन जो कि वांग को पकड़ लेता है और जैसे ही पकड़ते हैं इन लोग फर्श पर ही गिर जाते हैं, लाइक हॉल के फर्श पर ही गिरते हैं। जैसे ही गिरते हैं अभी हमारा वांग नीचे रहता है और हैन वांग के ऊपर रहता है। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, बोलते हैं तुम मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना। अभी वांग मुस्कुराता है, बोलता है छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो। अभी हैन बोलता है बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे हैन ने वांग के हाथों को जकड़ कर रखा हुआ था, लाइक वो कस के पकड़ा हुआ था, और पकड़े हुए ही वो उसके नेक पर किस करने लग जाता है, लाइक वो छोटे छोटे किसेस देता है। और अभी वांग हंसने लग जाता है, बोलता है हैन छोड़ दो, हैन प्लीज़ छोड़ दो। वो ऐसे हंसने ही लग जाता है, लाइक वो बहुत हंसता है। अभी इन लोग लाइक जैसे ये हंसते हैं तो अपना हैन कहता है तुम क्यों इतना परेशान करते हो मुझे। अभी वांग कहता है तुम्हें परेशान नहीं करूँ तो और किसे परेशान करूँ, तुमसे ही तो प्यार करता हूँ तो तुम ही तो परेशान करूँगा। वो ऐसा कहता है और लाइक हमारे हैन के होठों पर हल्का सा किस कर देता है। अभी इन दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब लाइक इन लोग की यादें ताज़ा होती है, पहली मुलाकात जब इन लोग गिर पड़े थे, उसके बाद इनकी जब भी मुलाकात हुई इन लोग गिरे, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से बातें हुई, और इनका प्रपोज जब इन लोगों ने एक दूसरे को एक साथ प्रपोज किए थे, वो गिर पलट उलट पलट, वो एपिसोड तो आप सभी को याद होगा जब इन लोग उलट पलट चल ही रहा था इन लोग का, तो वाला भी इन लोग याद करते हैं, सब कुछ याद करते हैं, इनके बीच की पहले की सब कुछ, और पहले की कहाँ हुई थी कैसे हुई थी वो तो ज़रूर याद होगा। लाइक हमारा वांग जो कि एक सेंटा के क्लॉथ में था और गिरने के कारण अगेन इनके लिप्स टच हो गए थे और हो गई थी एक छोटी सी किस, जिसके बाद हमारा वांग जो कि बहुत दूर जाके बोला था ये क्या था है? इतनी धड़कने क्यों तेज हो रही है मेरी इसके मामले में, वो कुछ ऐसा ही कहा था। लाइक मैं भूल चुकी हूँ दोस्तों, तुम मुझे माफ़ करना, अगर आप सभी को याद हो तो बताइएगा क्या खेल वांग ने क्या कहा था। खैर अभी हम लोग ये सब चीज़ें याद करते ही रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हमारा हैन जो कि वांग की ओर देखते रहता है, और वांग जानता था कि हैन को क्या चाहिए। अभी हमारा वांग हैन को पलट देता है, लाइक जैसे हमारा हैन वांग के टॉप पर था तो वांग हैन को पलट देता है, उसके टॉप पर आता है, उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। अभी हैन मना करता है नहीं क्या कर रहे हो तुम। अभी वांग कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। अभी हैन कहता है नहीं वांग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैं बस मजाक कर रहा था तुमसे। अभी वांग कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे थे, जानता हूँ तुम मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहते, शायद इसलिए हमारे रिश्ते को एक साल हो चुका है और तुमने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया ना। अभी हैन अपना सर नीचे झुका देता है और कुछ नहीं कहता है।
अभी वांग समझता था कि वो उसे क्यों नहीं हाथ लगाता। लाइक आप सभी ये ना सोचिएगा कि वो हाथ क्यों नहीं लगाता है, कि कैसे एक साल हो गया रिश्ते को और हाथ नहीं लगाया गया। तो ऐसा नहीं है, हमारा हैन वांग से बहुत प्यार करता है, उसे पता है कि वांग के साथ क्या हो चुका है, तो उसे ज़रा सा भी हर्ट करने से बहुत डरता है, इसलिए वो उसे हाथ नहीं लगाता। अभी हमारा वांग उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है तो वो मना करता है, पर वांग नहीं मानता, उसके शर्ट के बटन खोल देता है। और लाइक उसे किस करने ही वाला था तभी हैन रोकता है और ना में सर हिलाता है। तभी वांग कहता है मैं चाहता हूँ, वो इतना ही कहता है। और अब हमारा वांग जो कि हैन के चेस्ट पर किस करने लग जाता है। अब वांग जो कि हमारे हैन के नेक से शुरू करता है, नेक पर छोटे छोटे बाइट्स करता है, किस करता है, उस जगह पर सक करता है, उसे किस करने लग जाता है। फिर किस करते करते वो थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद वो उसके चेस्ट पर किस करता है, निपल्स को पिंच करता है, उन्हें किस करने लगता है। हैन गहरी गहरी सांसें ले लेने लगता है। लाइक अभी लोग फ्लोर पर ही है, जो लोग गिर गए थे उन लोग वहीं पर ही है। अभी वांग धीरे धीरे नीचे जाता है, नीचे जाकर वो हमारे लाइक हैन को किस करने लगता है, उसके स्मोच पर किस करने लगता है, उसके बेली बटन पर किस करता है, और फिर उसके लाइक जो पैंट होता है उसे खोलने ही वाला रहता है। तभी हमारा हैन वांग के हाथ को रोक देता है और फिर वांग को पलट देता है। लाइक वो वांग के टॉप पर आ जाता है, फिर वांग के शर्ट को उतारता है और फिर उसे किस करने लगता है। लाइक सबसे पहले हमारा हैन वांग के फोरहेड पर किस करता है, फिर वांग के दोनों आँखों पर किस करता है। वांग हैन को देखने लगता है, लाइक ये ऐसा था कि हैन को वांग का शरीर नहीं चाहिए, सबसे पहले उसकी आत्मा चाहिए, वो कुछ ऐसा ही था। उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके दोनों आँखों पर किस करता है, फिर उसके चिक्स पर किस करता है, उसके नोज़ पर किस करता है, उसके थुद्दी पर किस करता है, और फिर फाइनली उसके होठों पर किस करता है। अभी किस थोड़ी डीपली होते जाते हैं, इन लोग एक दूसरे को लाइक गले से लगा लेते हैं। अभी भी इन लोग फ्लोर पर ही हैं, इन लोग एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और किस डीपर होते जाते हैं। अभी किसिंग जो थी वो तंग वाली किसिंग हो रही थी। अब किसिंग करते करते लाइक 5 मिनट तक लगातार किसिंग चलते रहता है, इन लोग एक दूसरे को होल्ड करके किस करते ही रहते हैं। अब थोड़ा सा अलग होते हैं, लाइक किस करते करते एक दूसरे की ओर देखते हैं। हैन वांग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके बाद उसके लाइक वो शर्ट तो उतार चुका था, उसके निक पर जाता है, निक पर सक करने लगता है। वांग हैन के बालों को रफ करने लगता है, लाइक अपने हाथों को वांग हमारे हैन के बालों पर फंसा देता है और फिर वो उसे लाइक ये कर लेता है, क्रैप कर लेता है। और इधर हमारा हैन जो कि वांग के निक पर किस करते रहता है, सक करते रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, उसके चेस्ट पर किस करता है, एक हाथों से उसके एक चेस्ट को पिंच करता है और एक चेस्ट पर किस सक लिख सब करते रहता है। अब धीरे धीरे लाइक वो दोनों चेस्ट के साथ वैसे ही करता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, उसके स्मूच पर किस करता है, बेली बटन पर किस करता है, उसे प्रेस करता है, किस करता है, फिर धीरे धीरे वो उसके पैंट को खोल देता है। और अब हमारा हैन अपना एक हाथ उसके पैंट के अंदर डालता है, से हैंड जॉब देने लगता है और इधर वांग को किस करने लगता है। लाइक एक हाथ से वो उसे हैंड जॉब कर रहा है और दूसरी तरफ वो उसे किस कर रहा है। और उसके बाद वो अपना एक हाथ उसके बट होल पर लेकर जाता है और अपने फिंगर यूज़ करना शुरू करता है, जिससे लाइक अभी जैसे वांग को जैसे वो इंटरमेट के लिए प्रिपेयर करते रहता है, अभी वो ऐसे ही करने लगता है। अब जैसे ही वो ऐसा कर लेता है तो उन लोग लाइक सीधा बैठते हैं और अभी हमारा जो वांग है वो सीधा होता है, वो हमारे जो हैन है उसके
पैंट को खोल देता है। खोलने के बाद वो उसे ब्लोजब देने लगता है। और फिर अब ब्लोजब देने के बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लड़कों को ब्लोजब मिलने के बाद लड़कों के साथ क्या होता है, वो उस लिए अब हमारा वांग जो उसे ब्लोजब देता है, तो हमारा हैन वांग को वो सीधा करता है, सीधा से पलट देता है। फिर जैसे ही पलटता है तो बैक साइड से उस पर एंटर होता है। एंटर होने के बाद हमारा वांग जो प्रिपेयर हो चुका था ऑलरेडी, तो उसमें एंटर होता है। और जैसे ही वो एंटर होता है, उसी वक्त पर उसे यह एहसास होता है कि कहीं वांग को हर्ट ना हो, इसलिए वो जैसे ही वो एंटर होता है तो ऐसे थोड़ा पास जाता है हमारे वांग के और उसे बैक साइड से ही किस करने लगता है। वो उसके होठों पर किस कर रहा था। अभी हमारा वांग हैन के बालों को जकड़ लेता है और हमारा हैन एंटर भी किया हुआ है, उसके साथ इंटरमेट भी हो रहा है, उसे किस भी कर रहा है। अब इन लोग ऐसे ही इंटरमेट होते ही रहते हैं। अब इन लोग लगभग आधे घंटे तक के तो इंटरमेट होते हैं। अब इन लोग सीधा होते हैं, सीधे से भी इंटरमेट होते हैं और अभी नो इंटरमेट भी हो रहे, एक दूसरे को किसिंग भी कर रहे हैं। अब ऐसा होते होते ही सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है इन दोनों भी उसी फ्लोर पर है, एक साइड पर हमारे वांग और हैन का, एक एक साइड पर इन लोग के कपड़े फेंकाए हुए हैं वहीं पर और इन लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी हमारा वांग है जो कि हैन के हाथों पर अपना सर रख कर लेता हुआ इन दोनों ऐसे आसमान की ओर नहीं बल्कि घर के छत की ओर देखे जा रहे हैं। अभी सीन कट होता है। हमें हमारे वेन और छऊ को दिखाया जाता है। हमारा छऊ जो कि वेन से छूट के थोड़ा भाग ही गया था, अभी वेन छऊ के पीछे भागता है और भागते हुए अब इन लोग पहुंच जाते हैं वैन के उसी सीक्रेट रूम में जो हमारे फैन का सीक्रेट रूम है, जहाँ पर हमारा झाऊ का ही फोटो लगा हुआ है। वो उसी रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक बेड रखा हुआ था जो अलग से ही था। वो बेड छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, वो वहीं पर था। लेकिन लोग वहीं भागते हैं तो उसी रूम में पहुँच जाते हैं। अभी झाऊ वहाँ पहुँचता है तो फिर से अपने फ़ोटोज़ देखने लग जाता है। बोलते हैं ये लड़का कितना बड़ा पागल है, मेरी फ़ोटोज़ को इतने बड़े बड़े फ्रेम करके क्यों लगा कर रखा हुआ है इसने। अभी पेन आ जाता है तो सुन लेता है झाऊ की बातें और कहता है क्या कहा आपने आशु। अभी झाऊ कहता है तो और क्या कहूँ, पागल हो तुम, इतना क्या प्यार करते हो तुम मुझसे कि मेरी फ़ोटोज़ इतने बड़े बड़े लगा के रखे हुए हो। एक काम करना ना, मेरी मूर्ति भी बना लेना और लगा देना कि हाँ ये आशु है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अभी बेन गुस्से से झाऊ को देखने लगता है, आशु आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी झाऊ कहता है तो मुझे पकड़ के तो दिखाओ पहले, वो ऐसे ही कह के वो फिर से भागने लग जाता है। और झाऊ जो भाग रहा था तो बेन झाऊ का पीछा करने लग जाता है। अब इन लोग भाग ही रहे हैं, हमारा झाऊ जो आगे भाग रहा है, बेन पीछे भाग रहा है। अब वो भागते भागते जैसे बेड के पास पहुंच जाता है तो तकिया पकड़ता है, वैन के ऊपर फेंकता है तो तकिया थोड़ा ढीला कर लेता है। वो जैसे ही फेंकता है तो वैन को जाकर लगता है तो ज़रूर है, पर तकिए के अंदर की जितनी भी रुइयां थी वो सारे ऐसे बिखर जाती है। अब झाऊ बेड पर आ जाता है और बेड पर बैठ कर जो तकिए थे उसके और फेंकता है। अब हमारा वैन के पास भी जो तकिया आया था वो झाऊ की ओर फेंकता है। अब वैन भी बेड पर आ जाता है और झाऊ को तकिए से मारने लगता है। अब पिल्लो फाइट शुरू हो चुकी थी, इन लोग एक दूसरे को ऐसे ही मारने लगते हैं और जो तकिए का जो रुई था वैसे हवा में उड़ने लग जाता है। हमारा वैन और झाऊ दोनों ही रुइयों से भर चुके थे और इन लोग बहुत हंसते रहते हैं इस टाइम पर, हंसते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं तकिए पे। अभी मारते मारते में एक पल के लिए रुक से जाते हैं, हमारा वैन झाऊ के फेस पर देखा ही जा रहा था। झाऊ के जो फेसेस पर लगा हुआ था सारा का सारा वो रुई वुई लगा हुआ था, इधर वैन के भी फेस पर लगा हुआ था। इन लोग एक पल के लिए रुक से जाते हैं, एक दूसरे के फेस को हाथ लगाते हैं और जो भी रुई हुई लगी हुई थी इन लोग हटाने लगते हैं। इधर वैन
जाऊ के फेस से रुई हटा रहा था, इधर जाऊ वेन के फेस से रुई हटा रहा था। अभी हमारे वेन और जाऊ जो हटाते हटाते एक दूसरे को देखने ही लग जाते हैं, लाइक इन लोग एक दूसरे को देख ही रहे हैं। अब देखते देखते में ही अचानक से हमारा जाऊ जो एकदम रुक सा जाता है और वेन को देखने लगता है, हमारा वेन भी जाऊ को देखने लगता है। फिर धीरे धीरे करीब आते हैं और हल्के से अभी इन लोग के लिप्स मिक्स हो जाते हैं। अब हमारा वेन जो है वो जाऊ को किस करने लगता है, हमारा जाऊ भी वेन को पैक किस करने लगता है। अब किस करते करते ही वेन जाऊ को लाइक अपने और खींचता है, उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसे कस के गले लगा लेता है। और अभी किस होती ही रहती है, लाइक किस होते होते हमारा वेन जो है हमारे जाऊ को कि जो किस कर रहा था, लाइक वो अपना टंग यूज़ कर रहा था किस करने के लिए, हमारे जाऊ के लाइक होतों के अंदर अपना टंग यूज़ करता है, उसके टंग को अपने होतों में ले लेता है और उसके टंग को सक करने लगता है। वो फिर से किस कर रहा था, अब ये किसिंग थोड़ी ब्रूटल होते जाती है। अब हमारा वेन जो है जाऊ के लाइक वो धीरे धीरे अपना हाथ जाऊ के पौतम तक ले जाता है, वो ऐसे बिठा के रखा हुआ था जिससे कि वो उसके पौतम को छू पाए, वो उसके पौतम तक हाथ डालता है। अब लाइक वो उसके पैंट के अंदर हाथ डालता है, जाऊ हाथ रोकने की कोशिश करता है पर वेन अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ रोक देता है और एक हाथ तो जाऊ का वेन के गर्दन में था, वो भी उसे किस कर रहा था और उसका हाथ रुका हुआ था और अपना एक हाथ उसके लाइक बॉटम तक ले जाता है। अब लाइक वो अपना फिंगर यूज़ करता है और जाऊ के बॉटम पर यूज़ करने लगता है। अभी किसिंग भी होती रहती है, अब वो अपना फिंगर उसके बॉटम में यूज़ करते रहता है। जाऊ को लाइक पेन फील होता है और वो लाइक थोड़ा दर्द में होता है पर फिर भी किसिंग शुरू रहती है। और अभी जाऊ को प्लेजर मिल रहा था, लाइक बैठे बैठे भी प्लेजर मिल ही रहा था। अब पेन जाऊ को सीधा करता है, लाइक वो उसे किस करना छोड़ता है, सीधा करता है, जाऊ के शर्ट के बटन खोल देता है, लाइक लोग बैठे हुए ही अभी, और उसके शर्ट के बटन खोल देता है, उसके नेक पर लिख सक और बाइट करने लगता है, उसे किसेस करने लगता है। अब वो उसे किस करते करते लाइक उसके चेस्ट तक आता है और उसे अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींच कर उसके चेस्ट पर किस करने लगता है और उसे लाइक धक्का सा देता है हल्का सा और उसे फिर उसके चेस्ट पर किस करने लगता है और उसके जो निप्पल्स है उसे लिक करने लगता है। अब पेन जाऊ को धीरे धीरे लेटा देता है, उसे लेटा कर उसके टॉप पर रहता है, फिर एक चेस्ट पर लिक करता है, सक करता है, फिर उसे लाइक लिक सक किसेस बाइटिंग करती रहता है और एक हाथ से उसके दूसरे चेस्ट पर उसे प्रेस करने लगता है, लाइक वो उसे धक्का सा देने लगता है और किस करने लगता है। अब जाऊ की तो हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अब पेन जो एक चेस्ट के साथ कर रहा था वो दूसरे भी चेस्ट के साथ वैसे ही करने लग जाता है। अभी पेन धीरे धीरे नीचे जाता है और उसके स्मॉल चेस्ट पर किस करने लगता है, फिर उसके खैर वो उसके पैंट को खोल देता है, फिर उसे खोल कर वो उसे हैंड जॉब देने लगता है। एक तरफ वो उसे हैंड जॉब देता है और हैंड जॉब देने के कारण जो जाऊ के साथ होता है तो लाइक वो ऐसा चिल्लाने ही वाला रहता है कि वो क्या कर रहा है, है? तभी वो देखता है कि पेन एकदम लाइक उसे देख के समझ में आता है कि वो कितने ज़्यादा इच्छा में है करके। अभी जाऊ बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब वेन जो पहले तो जब वो उन लोग बैठे हुए थे तब वो अपनी फिंगर सिर्फ एक यूज़ कर रहा था, अब वेन अपनी फिंगर के मामले में अपने फोर फिंगर्स यूज़ करता है जाऊ के बॉटम पर
अब झाऊ दर्द में चिल्लाने वाला था। वो जैसे ही चिल्लाने वाला था तभी हमारा पेन जल्दी से झुक जाता है। वो अपने फिंगर तो यूज़ कर ही रहा था पर वो झुक के झाऊ के बालों को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है, उसे लाइक अपने पास खींच लेता है हल्का सा। अभी उसके बॉटम पर अपने फिंगर भी यूज़ कर रहा था, उसे किस भी कर रहा था, जिस वजह से झाऊ चिल्ला नहीं पाता और किसिंग के कारण वो रुक जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता। अब वेन जो अपने फिंगर्स यूज़ कर रहा था वो उसे प्रिपेयर कर ही लेता है लाइक इंटीमेट होने के लिए। अब अपना वेन जो कि अपना पैंट उतारता है फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लाइक वो अभी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, उसके उसको लाइक उसे हैंड जॉब दे रहा है और उसे किसिंग भी कर रहा है। वो एक ही टाइम पर ये चीज़ें कर रहा है। अब ऐसा करते करते में ही लाइक वो किसिंग भी करते करते फिर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके नेक पर किस करता है और फिर से उसके चेस्ट पर किस करने लगता है, उसके निप्पल्स को लिक करता है, सब करता है, उसे पुश करते रहता है। अब ऐसा करते करते में हमारे झाऊ की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जाओ लाइक अभी इन लोग का ये करते करते लगभग 15 मिनट हो चुका था, इन लोग इंटरमेट जो हो रहे थे। अब हमारा जाओ की हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और पेन रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार इंटरमेट हो ही रहा था। अब हमारा जाओ जो कि बिस्तर में पड़ा हुआ था, अब हमारा पेन जो क्या करता है वो जाओ के पास आता है, लाइक वो जैसे किसिंग कर रहा था तो इंटरमेट होना रुक देता है। अब वो जाओ के पास आता है, उसके चेस्ट पर, उसके बेली बटन पर, हर एक हिस्से पर किस करता है। फिर अब हमारा पेन जो कि जाओ को ब्लाउज अप देने लग जाता है। अब जैसे ही जाओ को यह एहसास होता है कि वो उसे ब्लाउज अप दे रहा है, क्योंकि पेन के होठों की गर्म गुफाएं जो कि जाओ के दिक को महसूस हो रही थी, तो हमारा जाओ जो ये एहसास करता है तो रोकने की कोशिश करता है कि नहीं रुक जाओ। वो उसके सर को पकड़ता है और हटाने की कोशिश करता है पर पेन जाओ के हाथ को पकड़ लेता है और उसे ब्लाउजअप देने लगता है। अब कभी हमारा पेन जाओ को ब्लाउजअप देता है, कभी हैंड जॉब देता है, वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। जाओ कंट्रोल नहीं कर पाता है और जैसा कि अगर बॉयज सुन रहे होंगे या शादीशुदा औरतें तो उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि जब बॉयज़ को ब्लो जॉब मिलता है तो उनके प्राइवेट पार्ट के साथ क्या होता है। लाइक जाओ का प्राइवेट पार्ट अब जो टाइट हो चुका था, हमारा वैन उसे लगातार ब्लो जॉब हैंड जॉब दिया ही जा रहा था। अब हमारा वैन जल्दी से लाइक जो उसका हमारे जाओ का प्राइवेट पार्ट टाइट हो चुका था, अब वैन सीधे ही हमारे छोटे से जाओ के ऊपर बैठ जाता है। अब वो जैसे ही बैठता है तो जाओ को कुछ एहसास होता है। अभी जाओ की आंखें बंद थी, वो लाइक जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो वो अपने बालों को पकड़ के रखा हुआ था, कभी खुद को काट रहा था, कभी खुद के बालों को पकड़ रहा था। उससे जैसे ही एहसास होता है वो अपनी आँखें खोलता है और वैन की ओर देखता है। अभी ये समझ में आता है कि हमारा वैन जो कि जाओ के साथ इंटीमेट हो चुका है। लाइक पहले वो वैन जाओ से इंटीमेट हो रहा था, वो खुद ही इंटीमेट हो गया है। अब वो इंटीमेट हो जाता है तो जाओ आंखें खोलता है, बोलता है लविन। वो ऐसे ही जैसे कहता है लाइक वो गहरी सांसें लेके कहता है। वैन कहता है आशु आपके लिए कुछ भी नहीं, आपके लिए ये सब कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही कहता है। और अब वैन लाइक अपने बालों को पकड़ लेता है, सर को ऊपर करता है और इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वैन अप डाउन हो रहा था, उसे दर्द हो रहा था, उसके चेहरे पर उसका दर्द नज़र आ रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। जाओ ये नहीं देख पा रहा था, लाइक वो रुक जाओ बोलता है पर वैन तो इंटीमेट हो चुका था। और अभी हमारे जाओ को जो ये देखकर उसे लाइक अभी इंटीमेट के कारण उसे अच्छा भी फील हो रहा था और वो
फिन को ऐसे दर्द में नहीं देख पा रहा था, तो वो जैसे तैसे करके उठता है। लाइक फिन ने जो अपने बालों को पकड़ रखा हुआ था, तो छाऊ अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। अब किस करते करते लाइक अभी भी लोग इंटिमेट है ही, अब वो किस करते करते उसे बेड पर लेटा देता है और फिर खुद उसे पुश करने लगता है। पुश करते करते अब हमारा झाऊ जो कि वेन के चेस्ट पर किस करने लगता है, लाइक उसके नेक पर किस करता है, फिर चेस्ट पर किस करता है, एक चेस्ट पर पिंच लिक और लाइक सब बाइटिंग सब करते रहता है। दूसरे चेस्ट पर वो प्रेस करते रहता है, उसे पिंच वगैरह सब कुछ करते रहता है। और फिर वो ऐसा करते करते उसके स्टमक पर लाइक स्मोच पर किसेस करने लगता है। और अब इन लोग इंटिमेट ऐसे ही होते रहते हैं और पूरे रूम में जो तकिए के जो रुए होते हैं पिलोरीज ये सब पूरे फैले रहते हैं और इन लोग ऐसे ही इंटिमेट होते ही रहते हैं। अभी जो इन लोग इंटिमेट हो ही रहे थे लाइक हमारा झाऊ जो वेन के बॉडी पर किसेस कर रहा था और उसके साथ इंटिमेट भी हो रहा था, अभी दोनों की मौन की वॉइस आने लग जाती है लाइक बहुत ही तेज, पर इतनी भी नहीं कि वेन के रूम के बाहर चले जाए, क्योंकि वेन के रूम के अंदर जो रूम था उन लोग अभी वहाँ पर थे। अभी इन लोग इंटिमेट होते होते लाइक इन लोग बिस्तर से जो बेड है उससे नीचे आ जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा झाऊ वेन से दूर हटता है। अभी जैसे झाऊ वेन से दूर हटता है, वेन झाऊ को पकड़ लेता है, उसे किस करने लगता है, किस करते करते बेड से सीधे वहाँ फ्लोर पर गिरा देता है, उसे वही जमीन पर गिरा देता है, उसे बिल्कुल ही सीधा। झाऊ अभी हुल्ली नीचे नीचे था पूरा लेता हुआ, अभी वेन झाऊ के ऊपर बैठ जाता है लाइक उसके तमी पर बैठ जाता है, झाऊ के होठों पर अपने लाइक मुंह के अंदर अपने दो फिंगर्स को इंसर्ट करता है, अंदर डाल देता है जिसे हमारा झाऊ सक कर रहा था। और अभी हमारा वेन झाऊ के फिंगर्स को लेके लाइक वो उसके हाथ को लेके पहले तो अपने फेस पर फिराता है लाइक ऐसे ऐसे टच करवाता है अपने फेस पर, फिर धीरे धीरे नीचे करता है अपने नेक पर टच करवाता है, फिर और नीचे अपने चेस्ट पर। अभी झाऊ वेन को देखा जा रहा था और वो वेन के लाइक फिंगर्स को सक भी कर रहा था। अभी वेन वैसा करते करते उसके हाथों को अपने प्राइवेट पार तक ले जाता है और झाऊ के हाथों से अभी वो खुद को लाइक हैंड जॉब दिलवा रहा था। अभी यहाँ झाऊ जो वेन के फिंगर्स को सक कर रहा है और वेन झाऊ के हाथों से खुद को हैंड जॉब दिलवा रहा है। अभी ये करते करते में ही लाइक अभी जो वेन जैसे झाऊ के स्टमक पर बैठा हुआ है लाइक उसके पेट पर बैठा हुआ है, अब हमारा झाऊ जो ऐसे ही करते रहता है तो अब हमारा वेन उठता है लाइक वो जैसे उसके स्टमक पर बैठा हुआ था तो उसके फेस साइड था, अब वो उल्टा बैठता है लाइक उसके पेट पर ही उल्टा बैठता है और फिर हमारे झाऊ को ब्लू जब देने लगता है। अभी झाऊ की सांसें बहुत तेज बहुत गहरी हो चुकी थी, अब हमारा फैन जो ब्लू जब देते देते ही वो लाइक थोड़ा सा उठता है और वो लाइक अभी डॉगी स्टाइल में हो जाता है। अभी झाऊ जो थोड़ा सा उठता है और वो सामने लाइक वेन का बैक साइड देखता है तो वो उसे लिक करने लग जाता है। अब इन लोग एक दूसरे को लाइक लिक सकिंग कर ही रहे थे, अब फाइनली हमारा जो वेन है वो सीधा होता है
और फिर झाऊ को डॉगी स्टाइल में करता है और फिर उसके साथ फिंगर से इंटरमेट होने लगता है और हमारे झाऊ के अभी मॉन निकल रहे थे फिंगर से इंटरमेट होने के कारण। अब वो मॉन कर रहा था और हमारा वैन जो कि गहरी गहरी सांसें लेते हुए फिंगर यूज़ कर रहा था। अब ऐसा करते करते ही अपना वैन एक बार फिर से झाऊ के साथ इंटरमेट हो जाता है। अब सीन कट होता है, लाइक हमें दिखाया जाता है इन लोग वही फ्लोर पर ही गिर जाते हैं और जो तकिए के जो रुए थे वो इन लोग के ऊपर आ गए थे, लाइक इन लोग ओनली निकित थे इस वक्त पर। अब इन लोग वही तक गिर जाते हैं और ऐसे ही लेते हुए रहते हैं। अभी वैन और झाऊ एक दूसरे को देख रहे थे, अभी लाइक जैसे इन लोग रिलीज हो चुके थे तो लाइक अभी इन लोग के शरीर में उन लोग के जो होती है वो चीज़ें लग चुकी रहती है। अभी वैन उठता है हल्का सा, झाऊ के फोरहेड पर किस करता है, उसके होली बॉडीज पर किस करता है और फिर झाऊ को लिप टू लिप एक लॉन्ग किस देता है और फिर लोग वहीं पर एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और ये मॉर्निंग होती है हमारे वांग हैन से। हमारे वांग और हैन जो अभी एक दूसरे के बॉडी पर लेते हुए थे, लाइक सबसे पहले हमारा हैन जो लाइक लेता हुआ है उसके ऊपर हमारा वांग लेता हुआ है, बिल्कुल ही लाइक हमारे हैन के चेस्ट पर हमारे वांग का सिर है। अभी वो आराम से लेता हुआ है, बस सो रहा है सुकून के साथ। अभी हैन की हल्की सी नींद खुलती है। अभी हैन लाइक उसे वजन तो फील होता है क्योंकि हमारा वांग है तो हेल्दी ना, अभी उसे हल्का सा वजन फील होता है तो वो ऐसे देखता है, आंखें खोलता है बिल्कुल ही हल्की सी। अभी वो देखता है कि उसके चेस्ट पर हमारा वांग लेता हुआ है, वो हमारे वांग के फोरहेड पर किस करता है, किस करके फिर उसे कस के हक कर लेता है। अभी वांग की हल्की सी नींद खुलती हुआ कहता है अभी हैन कहता है वांग उठ जाओ तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। अभी वांग कहता है सोने दो ना इतने जल्दी कौन जाता है। हैन कहता है पर मुझे तो जाना है ना, प्लीज़ उठ जाओ। अभी हमारा वांग कहता है 5 मिनट रुक जाओ ना। अभी हैन कहता है 5 मिनट तुमने टाइम देखा है कितना हो गया है, फुमांग मैं मुझे चिल्लाएंगी। अभी वांग कहते हैं तुम कितना मानते हो अपनी फुमांग मैम को, एक दिन देर से जाओगे तो क्या हो जाएगा। अभी हैन कहता है वांग उठ जाओ। अभी वांग तो उठने को रेडी ही नहीं था पर हमारा हैन जो है वो वांग को गिली गिली करने लग जाता है, लाइक उसे गुदगुदाने लग जाता है। अभी वांग हंसते उठ जाता है, फिर हैन को देखने लगता है। अभी हैन मुस्कुराता है, सीधा होता है, लाइक उन लोग के कपड़े वहीं पर थे तो उसे भी लाइक अपना जो पैंट होता है वो दे देता है उसका लोअर और अपना भी पहन लेता है। फिर उसे लेकर जाता है वॉशरूम में, उसे भी क्लीन करता है और खुद भी क्लीन होता है। अभी यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वैन और झाऊ को क्योंकि जो कि अभी होली निकेत लेते हुए थे। अभी हमारा झाऊ उठता है वैन की ओर देखते ही रहता है और जो कुछ भी हुआ वो याद करते रहता है। अभी याद करते करते में ही वैन अपनी आंखें खोलता है, फिर झाऊ को देखने लगता है। झाऊ तो हैरान कि हाँ वैन जगा हुआ है करके। अभी वैन झाऊ के हाथ को पकड़ता है अपनी ओर खींच लेता है, लाइक वो उसके ऊपर आ जाता है हमारा झाऊ जो कि वैन के ऊपर आ जाता है। अब भी हमारा झाऊ वैन को देखते रहता है, वैन कहता है आशु आज आप और मैं एक हो गए, आपको पता है मैंने कितना इंतज़ार किया था आपके लिए,
अभी जाऊँ वैन की ओर देखता है और कहता है, लव वैन छोड़ो क्या कर रहे हो। अभी वैन कहता है, आशु कोई भी नहीं है यहाँ पर और कोई नहीं देखेगा हमें। अभी वो ऐसे उसे छेड़ने लगता है, सो लाइक उसे शर्म सी आ जाती है, वो चुप हो जाता है। अभी वैन उठता है और वैन के ही लाइक रूम में वॉशरूम था, वो ऐसे उठता है और अभी ये दोनों एक दूसरे को सहारा देकर वॉशरूम तक जाते हैं और अब फिर इन लोग एक दूसरे को किडनैप करते हैं, वो भी बाथटब में बैठकर। अब सीन कट होता है, लाइक हमें इसके लाइक जो डाइनिंग एरिया है वही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे फूमेंग किन और गुशियांग इन लोग अभी ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। अब इन लोग ब्रेकफास्ट करते ही रहते हैं, तभी फूमेंग कहती है, वैन और झाओ अभी तक नहीं आए, क्या बात है। अभी किन कहता है, नहीं पता वो शायद आते ही होंगे। अभी जो थोड़ा घबराया हुआ था तो फूमेंग कहती है, घबराओ मत देख लेते आ जाएंगे। अभी वो ऐसे ही कहती, तब भी वो देखती है कि सीढ़ियों से हमारे वैन और झाऊ आ रहे हैं, पर चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है दोनों को। अब इन लोग आते रहते हैं, मैडम फूमेंग हैरान, क्या हो गया ऐसे क्यों चल रहे हैं। अभी गुशियांग भी देखती है तो अपने भाई को देख के हैरान हो जाती है, कहती है, भाई क्या हो गया, आपको चोट लगी है क्या। वैन बस मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। अभी किन भी बोलता है, भैया क्या हुआ। अभी झाऊ कुछ कह पाता तभी हमारा वैन कहता है, तुम्हारे भैया ना अपना ख्याल नहीं रखते हैं, खुद गिरे गिरे और मुझे भी गिरा दिए, इसलिए मुझे पैर पर चोट लगी और उन्हें भी। अभी किन कहता है, क्या भैया अपन में ख्याल नहीं रखते। अभी झाऊ क्या ही कहे क्योंकि वो सच्चाई तो बता नहीं सकता था, लाइक उसे एकदम ब्लशिंग से आती है, शर्म आ जाता है। अभी हमारा झाऊ वो शांत, अभी लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। अब सीन कट होता है, अभी हमें दिखाया जाता है हमारे वांग और हैन जो कि अभी हमारे यही आए रहते हैं, लाइक हमारे मैडम फूमेंग के घर पर आए रहते हैं। अब इन लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन लोग का जो रिश्ता है ये तो ऑलरेडी इन लोग को पता है। अभी मैडम फूमेंग इन लोग को देखती है तो मैडम फूमेंग कहती है, हैन क्या बात है, क्या मेरे असिस्टेंट के तौर पर तुम खुद के साथ साथ इसे भी रखना चाहते हो, क्या तुम इसके बिना नहीं रह सकते। अभी हैन कहता है, नहीं मैम ऐसा नहीं है, वो तो इसकी आज हॉलीडे है तो इसने कहा कि ये मेरे साथ रहना चाहता है तो मैं ले आया। अभी मैडम फूमेंग हंसने लग जाती है। अभी लाइक इन लोग ऐसे ही अपना समय बिताते रहते हैं, इन लोग अभी जो सोफ़ा एरिया है वहीं पर बैठे हुए हैं हॉल में। अभी इन लोग जैसे बैठे हुए हैं तो अभी गुशियांग कहती है, मम्मा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी हमारे जो मैडम फूमेंग है कहती है, हाँ कहो बेटा। अभी गुशियांग कहती है, मम्मा मैं किन के साथ रहना नहीं चाहती, मैं उससे प्यार नहीं करती, वो बस मेरे एक अच्छा दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आपने जब कहा कि मैं उससे शादी करूं तो मैं आपको मना नहीं कर पाई, पर सच ये है मम्मा मैं किन के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसमें अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती हूँ। अब भी जैसे ही गुशियांग ऐसा कहती है लाइक ये माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाता है, सभी चुप से हो जाते हैं। मैडम फूमेंग को कह लगता है कि लाइक क्या, अभी झाऊ क्या सोचेंगे, उसे क्या फील होगा और किन को कैसा लगेगा। अभी वो जैसे ही कहती है, बेटा क्या कह रही हो तुम, ऐसे में किन का क्या होगा। अभी किन कहता है, माफ़ कीजिएगा चाची जी, पर मैं भी गुशियांग के साथ अपना वैसा रिश्ता कभी नहीं सोचा है, मैं उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ पर मैं भी उसके साथ ऐसे नहीं रहना चाहता, मैं उसमें अपना पार्टनर नहीं देखता हूँ। मैं असल में आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं, ऐसे में मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पर हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँ, पर जो पर्सन मुझे
पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकता। गुशियांग मुझे पसंद नहीं करती है और उसके साथ रहकर मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। अब यकीन ऐसे ही कहते हैं और अब किन लाइक हमारी मैडम फुमोंग को मनाने लग जाता है कि वो ये सारी ये जिद ना करे और मान जाए करके। अभी मैडम फुमोंग क्या ही कहती, वो तो लाइक अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है और हमारे किन की भी रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वो झाऊ का भाई है। अभी वो ऐसे ही चुप रहती है। अब होता ये है कि वो जैसे ही वो लाइक चुप रहते हैं, अब वो चुप रह के उसके दोनों के गालों पे हाथ रख के वो बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग अकेले रहना चाहते हो तो अकेले रह लो, पर मेरे पास ही रहना। अभी माहौल बहुत ही अलग सा हो गया था, लाइक इन लोग बिल्कुल ही शांत से हो गए थे। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वैन और चाओ जो कि अभी अपने ऑफिस आए हुए हैं। लाइक ऑफिस का कार्यक्रम तो इन्हें करना ही रहेगा, लोग अभी ऑफिस आए हुए हैं। वही हमारे पांग और हैन जो कि मैडम फुमोंग के पास है, और हमारे जो किन और गुशियांग, इन लोग अपनी लाइफ वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं जैसे इन लोग इंजॉय करते लाइक दोस्त हैं और लाइक घर में ही है, घर में ख्याल रख रहे हैं, चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और नई नई इन लोग एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं घर पर। अब सीन कट होता है, लाइक ये सब होते होते लगभग एक हफ्ता हो चुका है, इन लोग की लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही है। अब हमें दिखाया जाता है लाइक एक हफ्ते के बाद का ही सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमारा वैन छाऊ भांग हैन किन कुशियांग और हमारी मैडम फुमोंग ये सभी अभी आए हुए हैं एक बड़े से पार्टी में, लाइक बहुत बड़ी सी पार्टी है और ये पार्टी कोई नॉर्मल नहीं है, लाइक बहुत ही बड़ी पार्टी है। इस जगह को देख के लग रहा है लाइक ये जो लोग हैं बहुत ही रिचेस हैं, लगभग हमारे लाइक लगभग भी नहीं, हमारे जो फुमोंग की टक्कर है उनसे भी बड़े औहदे का है ये लोग। लोग यही पार्टी में आए हुए अभी इन्हें इनवाइट किया गया है। अभी जैसे ही लाइक इन लोग पार्टी को जो एंजॉय करते रहते हैं, अभी इन लोग उस पार्टी में सभी लोग हैं एक साथ और उस पार्टी में इन लोग है ही। अभी अचानक से लाइक हमें उस पार्टी में जो होस्ट करते हैं उनकी वॉइस आती है जो कहती है, हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस पार्टी में जिसे मैंने आज दी है अपनी बेटी की फर्स्ट टाइम मेरी कंपनी को ज्वाइनिंग करने की खुशी में। और वो अभी अपनी बेटी को बुलाता है, अभी वो आदमी अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है खुन सैम। अभी हमें खुन सैम को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही स्टाइल से चलकर आ रही थी, जिसने ब्लैक अटायर ले रखा था, लाइक उसकी ब्लैक शूज थे जो कि जूती होती है, ब्लैक उसने जूती पहन कर रखी हुई थी, एक पैंट पहन कर रखा हुआ था जो कि लाइक उसकी बॉडी से चिपका हुआ नहीं था पर थोड़ा ढीला ढाला था, वो ऐसे था। और उसने अंदर एक इनर पहन के रखी हुई थी लाइक जो उसके इनर बॉडी को हल्की ढक रही थी पर हाँ उसकी खूबसूरती को बखूबी दिखा भी रही थी। अभी उसने ऊपर से कोट डाल कर रखा हुआ था। हमारे जो खुन सैम थी वो बिल्कुल ही कोल्ड फेस लेकर आती है, अभी वो बिल्कुल ही कोल्ड फेस लेकर आए रहती है, चुपचाप खड़ी होती हैं। अभी हमें वही दिखाया जाता है लाइक एक साइड कुछ वेटर्स को दिखाया जाता है, यहाँ पर वेटर्स रहती है लाइक रहती है मतलब वेटर्स है जो कि सभी को शैम्पियन लाइक वो ऑफर कर रही थी, शैम्पियन दे रही थी। अभी हमें वही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने वाइट कलर का लाइक ऊपर से उसने शर्ट पहन रखी थी और नीचे ब्लैक कलर का उसने स्कर्ट पहन कर रखा हुआ था जो कि उसके थाइस तक आ रहे थे।
उसके गले पर एक ब्लैक बो लगा हुआ था। उसने पोनी लाइक जैसे पोनी जैसे बनाते ना अपन, वैसे बना कर रखी हुई थी। और वो अपने हाथों पर एक ट्रे रखी हुई थी जिस पर चैम्पियन था। अभी वो सभी को चैम्पियन दे रही थी। अभी चैम्पियन देते देते लाइक वो आ रही थी, लास्ट चैम्पियन थी जो कि अभी वो आ रही थी। और लाइक जिसे चाहिए हो वो उठा सकते थे, लाइक वो सबको पास जाके खड़ी नहीं हो रही थी, बस वो सभी के साथ पास से गुजर रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो अभी जो उस आदमी ने अपनी बेटी का लाइक वो करवा दिया था इंट्रोड्यूस कि वो खुद सैम है। और वो बताते हैं कि वो अभी ज्वाइन कर रही है करके हमारी कंपनी को। वो ये बता देते हैं। अब बताने के बाद लाइक वो जो खुन सैम थी, खुन सैम नहीं, मैं सिर्फ इसे सैम कहूँगी। अब सैम वो इधर से आते रहती है, इधर से जो लड़की है वो जाते रहती है। अब उसकी नज़र एक साइड जाती है, वो लड़की जो चैम्पियन लेके आते रहते हैं उसकी नज़र एक साइड जाती है, और सैम की नज़र तो इधर उधर ही रहती है। लाइक वो ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देती है, वो सामने तो देख ही नहीं रही थी। अब इन लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, चैम्पियन जो वही नीचे गिर जाती हैं। और हमारी जो सैम है उसने जो जूती पहन के रखी हुई थी, लाइक वो हल्की स्लीपिंग वाली थी। और टाइल्स तो जानते हैं आप सभी कितनी जल्दी फिसलती हैं। अब भी सीधे ही हमारी लाइक सैम वो जो उस लड़की उसके सामने रहती है उसके कॉलर को लाइक वो जैसे बचने की कोशिश करती क्योंकि वो गिरने वाली थी, वो उसके कॉलर को पकड़ लेती है। और तभी इन लोग गिर जाते। अभी सैम नीचे गिर रहती है और वो जो लड़की थी वो ऊपर गिर जाती है। लाइक अभी इन लोग के आइस एक दूसरे को देख रहे थे। अभी यहाँ लाइक हमारी जो गुशियांग और हमारी किन वेंझाओ वांगहिन और मैडम फुमोंग इन लोग को देख ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उतने में हमारे पेन और झाऊ जाकर इन्हें उठा देते हैं, उठाते हैं और उठा कर कहते हैं आप लोग ठीक हैं। अभी सैम कहते हैं मैं ठीक हूँ। अभी जो वो रहती है लड़की जो गिर गई थी वो कहती है आई एम सॉरी मैम। अभी सैम कहती है माफ़ी मत मांगो, मेरा ही ख्याल नहीं था। अभी वो इतना ही कहती है। अब वो लड़की बस उसे ग्रीट करते और जाने वाली थी। अभी सैम उसका हाथ पकड़ लेती है। अब जब इन लोग गिर रहे थे तो उसका कॉलर पकड़ ली थी ना, तो लाइक उसका कॉलर थोड़ा खुल गया था जिस वजह से उसके हल्के से जैसे चेस्ट के जस्ट ऊपर नज़र आता है। सैम के नेल्स उसे लग गए थे। अभी वो उसे कहती है कि तुम्हें लग गई। वो कहती है कोई बात नहीं मैम, मैं संभाल लूँगी। अभी सैम इशारा करती है किसी और को, लाइक वहीं पर जो उसके हेल्पर वगैरह रहते हैं उसको इशारा करते हैं, वो हाँ में सर हिलाता है। अभी वो एक लाइक स्प्रे लाता है और कॉटन लाता है जिससे हमारी सैम खुद उस लड़की को लाइक वहाँ उसका जो लगे रहता है उसे ठीक करती है, रुई मतलब कॉटन और एक स्प्रे के जरिए ठीक करती है। और उसे ठीक करते करते कहती है तुम्हारा नाम क्या है। अभी वो लड़की कहती है मुन। अब भी हमें दिखाया जाता है लाइक ये जो लड़की गिरी थी ये हमारी मुन खुरखेमुन है। अब भी इन लोग जो कहते हैं लाइक अभी इन लोग पूछते हैं आप लोग ठीक है ना, मुन और सैम दोनों कहती हैं हाँ हम ठीक हैं। अभी हमारी सैम जो कि हमारे बहन और झाऊ को यहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है, हमारे बहन और झाऊ जी हाँ कहते हैं लाइक वो वेलकम कहते हैं। अब इन लोग इस साइड से हट जाते हैं। अभी हमारे बहन और झाऊ जो एक साइड जाकर खड़े होते हैं तभी हमारी जो मैडम फुमोंग है वो कहती है क्या हुआ बेटा, उन गिर गए थे। अभी हमारे बहन और झाऊ कह बताते हैं हाँ वो गिर गए थे, हम बस उन्हें उठाने गए थे। अभी हमारा जो बहन है वो कहता है ये सैम बहुत रूद लगती है ना आशु। अभी झाऊ कहता है
और ये मन बहुत ही शांत है। अब ये वो ऐसे ही कहता है, हमारी फोमोंग जो है वो कहती है हाँ, अक्सर शांत और रुद की ही किस्मत बनती है। अब इन दोनों सीधे ही मैडम फोमोंग को देखने लगते हैं। अभी हमारी मैडम फोमोंग कहती है हाँ, शांत एक इंसान जो शांत होता है दूसरा इंसान जो रुद होता है उनकी जोड़ी अक्सर बनती है। वो ऐसे ही कहती हैं। अब वो कहती है ना जाने ये कब अपनी प्यार को कन्फेस करेंगे। अभी वेन और छऊ जो एक साथ मून और सैम की ओर देखने लगते हैं। हमें मून और सैम को दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे की ओर अपना पीठ करके रखा हुआ था और इन लोग चल रहे थे। हमारी मून जो कि अपने स्टाफ तरफ चल रही थी जहाँ से ये लाइक सभी को चैम्पियन ऑफर कर रही थी उस साइड जा रही थी, और हमारी सैम जो कि अपने फादर के पास जा रही थी। अब इन लोग को ऐसे ही जाते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ हमारी मैडम फोमोंग वांग हैन किन गुशियांग और फैन झाऊ खड़े रहते हैं और कहते हैं आफ्टर वे कन्फेस और लव। अभी ये हमारे फैन और झाऊ एक दूसरे को देख के कहते हैं और इसी वक्त पर हमारे वांग और हैन भी कहते हैं। अब इन लोग ऐसे लाइक एक दूसरे को देखते हैं, लाइक हमारे मैडम फोमोंग किन गुशियांग वेन झाऊ और वांग हैन इन लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हमें इंतजार रहेगा इनके एक दूसरे को अपने प्यार के इजहार करने का, हम इंतजार करेंगे। और फिलहाल अब कहानी यहीं तक। लाइक दोस्तों ये कहानी फिनिश हो रही है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। अब मैं आप सभी से अलविदा चाहूँगी इस कहानी को लेकर। लाइक अब ख़त्म हो रहा है मेरे झाऊ अंकल का सफ़र और मून और सैम की एंट्री से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं आप सभी के लिए एक न्यू BLGL FF लाने वाली हूँ जिसे मैंने ही लिखा है, जिसका नाम है आफ्टर वे कन्फेस और लव। ये मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी दोस्तों, पर मुझे इसके लिए भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मैं इस पर अभी मेहनत कर ही रही हूँ, इसे लिख ही रही हूँ, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी, जिसमें हमारे कैप द सीरीज के हमारी मून और सैम है और हमारी वेन झाऊ तो है ही। लाइक इसमें इन लोग मिलेंगे आपको और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आप सभी के साथ शेयर करने के। पर उससे पहले आप सभी के लिए आएगा एक और फैन फिक्शन जिसका नाम है स्केच ऑफ ब्यूटी, जिसका पोस्टर ट्विटर मेरी फेवरेट फैन झाऊ वर्ल्ड ने अपने सेकंड चैनल पर शेयर किया था, क्योंकि आप लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी एडिटिंग स्किल औसम होती हैं। अब खैर मैं आप सभी से अलविदा लूँगी अपने इस चैनल के लिए नहीं, अपने इस फैन फिक्शन के लिए। अब झाऊ अंकल आप सभी से मिलने नहीं आएंगे, ना ही हमारा जो वैन है वो ना ही वो अपने झाऊ अंकल से कहेगा झाऊ अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता ना, आपके बिना नहीं रह सकता ना, मुझे आपके साथ ही रहना है। अभी वेन ना तो ऐसा करने वाला है। अब दोस्तों लाइक मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने ये फैन फिक्शन कैसे शुरू किया। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो लाइक हमारी जब बातें होती थी हम फ्रेंड्स की, तो मैंने हमारी फ्रेंड्स की बातें सुनी थी जब ये लोग एक दूसरे से जिक्र कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें एक पर्सन जो कि थोड़ा पागल हो, उसमें कम दिमाग हो, बच्चों जैसा हो, पर दूसरा मैच्योर हो और वो सभी चीज़ों को समझता हो
और मैंने लाइक थोड़ी थोड़ी सी सोची और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ले आऊँ। अब मैंने कहानी लिखी लगभग 2 से 3 पार्ट। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से शेयर कर दिया कि हाँ मैं ला रही हूँ। तब तक मैंने नाम डिसाइड नहीं किया था। अक्सर मेरी आदत है, मैं पहले से नाम डिसाइड नहीं करती हूँ, पहले कहानी लिख लेती हूँ फिर नाम डिसाइड करती हूँ। अब हुआ ये था कि मैंने लगभग उसके 2 से 3 पार्ट हमारे मेरे छाऊ अंकल के 2 से 3 पार्ट मैंने जब उसे लिख लिया, उसके बाद ही मैंने शेयर किया कि मैं लाने वाली हूँ। अब जब मैंने नाम शेयर किया तो मेरी फ्रेंड्स जो मेरे ऊपर कूद पड़ेगी, क्या अच्छे से प्यार करवाएंगी? पर बच्चा कैसे बड़ा क्या ओ, तो आप सभी अगर शुरुआत से सुनेंगे तो आप सभी जानेंगे। और हाँ, आज जो मैं इसके सारे पार्ट अपलोड कर पाई हूँ, लाइक मैं इतने आगे तक के इसे शेयर कर पाई हूँ, तो उसके पीछे है हाथ मेरी फेवरेट वेंचर वर्ल्ड, मेरी प्यारी सी ये बाई और मेरी प्यारी सी कुशियांग और आप सभी प्यारे प्यारे ऑडियंस जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज मेरे 6+ ये लाइक दोस्तों, अब मेरे 6+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैं बहुत खुश हूँ। लाइक नॉर्मल बात है ऐसे तो आप लोगों के लिए, पर मेरे लिए बड़ी बात है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसीलिए लाइक अब ये फैन फिक्शन यही क्लिप फिनिश हो रहा है और मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ बता चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं स्केच ऑफ ब्यूटी अपलोड करने वाली हूँ। लाइक आप सभी इंतज़ार कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय बिंझू। और हाँ, जाने से पहले रैंकिंग देना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मैंने मेहनत की थी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, वरना मैं लाने नहीं वाली थी। तो मैं अपने दोस्तों के लिए मेहनत की थी और मैं चाहती हूँ कि क्या मेरे दोस्तों के लिए की गई मेरी मेहनत कुछ रंग लाई भी है। तो प्लीज़ आप 10 of 5, 10 of 4 जैसे चाहो रैंकिंग दे सकते हो आराम से।